थाने की जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बिरयानी खिलाने के आरोप में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने 1 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। एक दिन पहले हॉस्पिटल ले जाने के दौरान इकबाल कासकर का एक कार के अंदर बैठकर बिरयानी खाने का वीडियो सामने आया था। इकबाल को फिरौती के एक मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि मीडिया में ये खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर मेडिकल ट्रीटमेंट की आड़ में अय्याशी कर रहा है। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ कासकर को पुलिस की गाड़ी में बिरयानी लाकर खिलाई बल्कि सिगरेट भी पिलाई और फोन पर भी बात करने दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कासकर को उसके गुर्गों से मिलने की छूट भी दी गई थी। इस सब के लिए सभी पुलिसकर्मियों ने कासकर से कुछ रुपए भी लिए थे। थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर के आदेश पर जॉइंट कमिश्नर मधुकर पांडे ने मामले की जांच की और नोटिस जारी कर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और सस्पेंड करने की कार्रवाई की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 25 अक्टूबर 2018 को मगोका के आरोपी इकबाल कासकर को मेडिकल जांच के लिए जेल की पुलिस टीम उसे अपने साथ लेकर थाने सिविल अस्पताल पहुंची थी। तस्वीरों से स्पष्ट पता चलता है कि वो पुलिस टीम के संरक्षण में बिरयानी खा रहा था। नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि ये जानते हुए कि आरोपी इकबाल कासकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है और गंभीर मामलों में जेल में बंद है, फिर भी अपने आर्थिक फायदे के लिए पुलिस टीम ने कोर्ट की अनुमति न होने पर भी कासकर के वकील से पैसे लेकर उसके लिए बिरयानी की व्यवस्था की। इसके अलावा हॉस्पिटल परिसर में उसके साथियों से खुले तौर पर मिलने दिया गया। पुलिसकर्मियों को अधिनियम 1981 की धारा 68 के तहत जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है।